हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीप्ति। वेलकम टू माय चैनल दीप्ति ब्लॉसम गैलरी। फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी कि मैं आप लोगों के साथ में इतने दिनों से कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई। एक्चुअली यहाँ पर स्कूल वेकेशन हो गए थे तो उसके बाद हम लोग घर चले गए। घर जाने के बाद आप जानते हैं कि फैमिली के पास पहुँच गए तो फिर कुछ कोई काम करने का मन भी नहीं करता है, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो हम फैमिली के साथ में थे, हमें टाइम भी नहीं मिला, और जब थोड़ा सा टाइम मिला तो मन भी नहीं क्या करने का, क्योंकि फिर वहाँ पर जाने के बाद में कुछ इच्छा नहीं होती कि फोन पे कुछ करना है। मतलब उनके साथ में ही, परिवार के साथ में इतना अच्छा लगता है कि कुछ और करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो मैंने कुछ किया ही नहीं और मुझे मौका भी नहीं मिला, दोनों बात थी। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए लेकिन मुझे एडिट करने का समय नहीं मिला। तो अब हम वेकेशन ख़त्म हो गई है और यहाँ स्कूल ओपन हो गए हैं और हम वापस भी आ चुके हैं, और हमारा 2 दिन का होटल क्वारंटाइन ख़त्म हो गया है। ये 1 हफ्ते पहले ख़त्म हुआ है और मैं वीडियो आज आपको डाल रही हूँ। तो क्योंकि 2 दिन होटल क्वारंटाइन थे तो मुझे लगा कि जिस होटल में हम रुके हैं मुझे आपको वो होटल दिखाना चाहिए। तो मैं बेटले होटल में रुकी थी और बहुत ही अच्छा होटल है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। तो मेरा 2 दिन का क्वारंटाइन था क्योंकि हम फुल वैक्सीनेटेड हैं और जो लोग फुल वैक्सीनेटेड हैं उनका 2 दिन का क्वारंटाइन है। उसका मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखकर, होटल देखकर, अगर आपको होटल अच्छा लगता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप मेरे वीडियोज़ आते रहेंगे और जब आप बेल बटन दबाएंगे तभी तो मेरी आने वाली आगे की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। तो इसलिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यहाँ से हम मेन रोड से एंटर करते हैं, सामने एंट्रेंस ऐसा है। और उसके बाद में स्टार्टिंग में इन्होंने सबसे पहले बाथरूम दे रखा है, वॉशरूम है, और उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें वॉशिंग मशीन है। तो जो लोग 10 डेज़ का क्वारंटाइन है या उससे ज़्यादा, जिनको भी मतलब होटल यूज़ करना है, रहना है, उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये। ये मेन डोर है, इससे ही अभी हम एंटर हुए थे, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में वॉशरूम है। और ये एंट्रेंस से सामने आप देख रहे हैं कितना अच्छा बना हुआ है काफ़ी। ये लेफ्ट साइड में ही ओपन किचन दिया हुआ है जिसमें सारी फैसिलिटी है, फ्रिज है, ग्रिल है, ओवन है, और डिशवॉशर है, गैस है, मतलब इलेक्ट्रिक गैस है, आप मतलब सारी सब कुछ इन्होंने सुविधा यहाँ दे रखी है। मतलब जो भी चाहता है इनके लिए क्वारंटाइन है और जो यूज़ कर सकते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। का ठीक ठाक बड़ा है, यहाँ पर डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, टीवी, ये सारी फैसिलिटी है और अच्छा है काफ़ी।
पार्किंग एरिया से हम बाहर देखेंगे तो ऐसे दिखता है। लिविंग एरिया वह पूरा देख चुके हैं, अब हम यहाँ से आगे की ओर चलेंगे। आगे के मैं रूम्स दिखाती हूँ कि कैसा है। और ये यहाँ से गैलरी दिख रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ से राइट हैंड साइड में डोर है, मेन डोर जिससे हम एंटर हुए थे, एंड उसी के बगल में वॉशरूम दिया है जो मैंने आपको दिखाया था। तो चलते हैं कमरे की ओर। ये रूम स्मॉल है, इसमें सिंगल बेड पड़े हुए हैं दो, और ठीक है, मतलब अच्छा है, ओके है। और स्पेशली अगर बच्चे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, वो अकेले यहाँ पर मस्ती कर सकते हैं। इस रूम से भी अटैच एक वॉशरूम दिया हुआ है। ये मास्टर बेडरूम है और इसमें सिंगल बेड दिया हुआ है, और इसी से अटैच एक बड़ा सा बाथरूम है जो काफ़ी अच्छा है। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे एक बात और बोलनी है कि जैसे जो भी लोगों का 10 दिन का होटल क्वारंटाइन है और वो स्पेशली उनके साथ में बच्चे हैं, तो वो अपने साथ में थोड़ा बहुत स्नैक्स कैरी कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जल्दी हो जाता है, और उसके बीच में काफ़ी गैप रहता है, तो जो बीच का गैप होता है उसमें भूख लगती है। हम चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, उनको दिन भर ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो जो भी आ रहे हैं वो वहाँ से छोटे मोटे स्नैक्स ला सकते हैं, और वो टाइम में मतलब वो यूज़ हो सकता है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो कहीं से कुछ आ भी नहीं सकता है। तो उससे बेटर यही है कि अगर आप अपने साथ में थोड़ा सा स्नैक्स कैरी करें तो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए भी मतलब अच्छा ऑप्शन है, हम ऐसा मतलब कर सकते हैं।